Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 10th biology, that is life, control and coordination. And in this chapter, in the previous lecture, we have studied about various glands, and as I told you in the end segment of previous lecture, in this lecture we are going to start with feedback mechanism. So let's start. अगर कोई भी हार्मोन रिलीज़ होता है ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में, तो उसका हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज़ हो. तो टाइम और अमाउंट ऑफ हार्मोन जितना रिलीज़ होना हमारी बॉडी में, वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है. तो वो हार्मोन्स जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में, वो हार्मोन्स को हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं. सो दैट इज अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म. एंड now let's see types of plant hormones. There are four types of plant hormones. First is auxins. auxins promote karta hai cell enlargement aur cell differentiation ko. wo food growth ko bhi promote karta hai plants mein. auxins control karta hai plants का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी. लाइट एंड ग्रेविटी की तरफ जो प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा उसको ऑक्सीजन कंट्रोल करता है. सेकेंड हार्मोन इज गिब्रेलिन्स. गिब्रेलिन्स प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ये हेल्प करता है डॉर्मेंसी में सीड्स और बर्ड्स. डॉर्मेंसी क्या होती है ये अभी हम फर्दर पढ़ेंगे. तो फॉर नाउ गिब्रेलिन्स डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है सीड्स एंड बर्ड्स. फर्दर गिब्रेलिन्स प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को और स्टिमुलेट करता है शूट्स के एलोंगेशन को. नेक्स्ट इज साइटोकिनिन्स, थर्ड हार्मोन. ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स में, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स जस्ट लाइक गिब्रेलिन्स. लीव्स की एजिंग को डिले करता है, मतलब लीव्स जितनी शेड होती है उसको डिले करता है. और ये प्रमोट करता है सोमैटो और फ्रूट ग्रोथ की ओपनिंग को. लास्ट हार्मोन इज एब्सेसिक एसिड. एब्सेसिक एसिड प्रमोट करता है डॉर्मेंसी को सीड्स और बर्ड्स में. ये प्रमोट करता है गाइस, ये प्लीज़ केयरफुली ध्यान रखना. ये प्रमोट करता है और साइटोकिनिन्स एंड गिब्रेलिन्स ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. ये प्रमोट करता है क्लोस्ट्रोमेटा क्लोजनिंग को. ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है, और ये कॉज करता है डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स. इसकी वजह से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट से डिटैच. सो आफ्टर प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ट्रॉपिज्म एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. सो इन ट्रॉपिज्म, फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज ट्रॉपिज्म एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स. जो ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट के किसी भी पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाय, उस डायरेक्शन में जिसमें स्टिमुलस को डिटरमाइन करें और रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म कहते हैं. सो फाइव टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं प्लांट्स. फर्स्ट इज
फोटोट्रॉपिज्म में डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट की इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जियोट्रॉपिज्म में प्लांट पार्ट की मूवमेंट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है। जैसे ह्यूमंस में रिसेप्टर्स होते हैं ना, गस्टेट्री, ऑल्फैक्ट्री, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, इसी तरह प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल फोटोट्रॉपिज्म हमने देखा, जियोट्रॉपिज्म देखा, नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, प्लांट रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। तो टच की रिस्पॉन्स में प्लांट पार्ट के मूवमेंट को थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। एंड लास्टली जब प्लांट पार्ट के मूवमेंट केमिकल रिस्पॉन्स की वजह से तो उसे कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। आफ्टर ट्रॉपिक मूवमेंट देयर आर नास्चिक मूवमेंट्स ऑल्सो इन प्लांट्स, एंड इट ऑल्सो हैज टू टाइप्स ऑफ नास्चिक मूवमेंट्स। सो फर्स्टली लेट्स सी व्हाट आर नास्चिक मूवमेंट्स। प्लांट पार्ट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाय, जिसमें रिस्पॉन्स का डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन से डिटरमाइन नहीं करते। ट्रॉपिक मूवमेंट में तो स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन नास्टिक मूवमेंट में रिस्पॉन्स की डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नास्टिक मूवमेंट। टू टाइप्स की नास्चिक मूवमेंट्स होती है, फोटोनास्ची एंड थिग्मोनास्ची। फोटोनास्ची इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट लाइट के रिस्पॉन्स में, और प्लांट पार्ट की नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थिग्मोनास्ची। सो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर, एंड लेट्स सी एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, तो हम एक बार ही वो भी कर लेते हैं सारे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन में इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और वॉकिंग एक वॉलंटरी एक्शन है जो ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट करता है, वॉकिंग हिंड ब्रेन दैट इज सेरिबेलम कंडक्ट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्टर टाइम स्पैन में होता है और वॉकिंग लॉन्गर टाइम स्पैन में होता है। सो गाइज ऑन दिस नोट वी कंक्लूड विद आवर टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स एनी कंफ्यूजन्स देन प्लीज डू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। And link for the notes will be given in description box. And in the next lecture, we are going to end with this chapter and we will see more NCERT question answers. So, for now, thank you for watching.